हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आ गई हूँ और एक बढ़िया डिलीशियस से रेसिपी के साथ। रमजान में ठंडा ठंडा मिल्कशेक या ऐसा जबरदस्त सा रिफ्रेशिंग शरबत मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी साबुदाना का ड्रिंक, जिसे बनाना तो आसान है ही, अगर आपने इस रेसिपी को अपने इफ्तार ड्रिंक में शामिल कर लिया तो आपके गेस्ट तो आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। उतना डिलीशियस रियाम बनकर तैयार होता है। तो देर के बाद की कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिए बिना स्किप किए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज और मेरी मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए कम्प्लीट वीडियो वॉच कर लीजिए। चलिए टेस्टी और रिफ्रेशिंग से इफ्तार ड्रिंक या समर ड्रिंक यूं कह लीजिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। इसमें ऐड कर दूंगी 750 ml उतना मिल्क। बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मजेदार सी ड्रिंक है। मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 cups उतना मिल्क लिया है मेजरिंग कप से। 1 cup तकरीबन 250 ml का है। तो चलिए यहाँ पर फ्लेम को टर्न ऑन कर लिया है। हल्के से मीडियम फ्लेम पर दूध में हल्का सा गुनगुना होने देंगे। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम लो कर लेंगे। दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। हमें इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि दूध में बढ़िया सी थिकनेस आ जाए। हल्का सा यहाँ पर हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है और बढ़िया से थिक भी हो चुका है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1/2 cup उतना कंडेंस मिल्क। अगर ये जरूरी नहीं है कि कंडेंस मिल्क ही आप इसमें ऐड करो, इसे थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम मेजरमेंट में 1/2 cup उतना यहाँ पर चीनी का भी यूज कर सकते हो। अच्छे से कंडेंस मिल्क को ऐड करने के बाद भी 3 से 4 मिनट के लिए हम हल्के से इसी तरीके से स्टिर करते हुए कर लेंगे इसको कुक। अच्छे से दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी रूह हफ्जा। ये इजीली किसी भी प्रोविजन स्टोर पे या पंसारी के स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। तो रूह हफ्जा ऐड नहीं करना चाहते, इसके रिप्लेसमेंट में रोज सिरप का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 4 tablespoons उतने रूह अफ्जा। अगर आपको इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता हो तो इसकी क्वांटिटी हाफ कर लीजिएगा। हल्के से चलिए यहाँ पर दे दिया है अच्छा सा एक में। तो चलिए इसी में मैं कुछ नट्स ऐड कर दूंगी जिनको स्लाइस अप किया है। थोड़े से काजू, 10 से 15 काजू हैं। इसी के साथ 10 से 15 बादाम थोड़े से मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। सारी चीजों को ऐड करने के बाद हल्का सा एक जेंटल सा मिक्स देंगे। तो देख सकते हो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का क्रीमी सा टेक्सचर होता है। जैसे हम बाहर से बादाम दूध या कुछ रबड़ी जैसा फ्लेवर नहीं होता, उतना थिक नहीं होता, बस हल्के से डाइल्यूटेड पीने लायक होता है। तो चलिए यहाँ पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर दो और अच्छे से इसे कूल डाउन कर लें। तो चलिए जब तक हमारा मिल्क कूल डाउन होता है मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी इस कढ़ाई में तकरीबन 1 liter उतना पानी। अच्छा सा उबाल आने देंगे। इसमें हम उबाल आने के बाद साबुदाने को ऐड करेंगे। गर्म हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। यहाँ पर 1/2 cup उतना साबुदाना था। इसे हल्के से एक दफा वॉश करके मैंने यहाँ पर ले। आप चाहो तो इसे सोक करके भी रख सकते, 2 से 3 घंटे के लिए इसका कुकिंग टाइम बच जाएगा। मैंने यहाँ पर सोक नहीं किया था तो इसलिए मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 10 to 12 minutes के लिए कुक कर लूंगी, जब तक ये साबुदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो। लिए यहाँ पर साबुदाने को कुक होते हुए अच्छे से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हो आप साबुदाना कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हमें इतना ही कुक करना है। यहाँ पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर दूंगी। इसे हम छन्नी से छान लेंगे। हमारे साबुदाने को छन्नी की हेल्प से नीचे बाउल रख दिया है। अच्छे से कुछ इस तरीके से छान लूंगी। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 cup उतना रूम टेम्परेचर वाला पानी या चिल्ड पानी, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए। इस तरीके से ठंडे पानी को ऐड करने से ना आपके साबुदाना स्टिक भी नहीं होंगे। तो चलिए इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया, इसे करते हैं साइड। आगे का स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। सब्जे के सीड्स जिसको कहते हैं, ये बहुत ही हेल्थी और हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं। समर्स में तो बहुत ही ठंडक देने वाली चीज है। मैं यहाँ पर 2 teaspoons उतना मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी बेजल सीड्स को। इसी में ऐड कर दूंगी 1/4 cup उतना पानी। 1/2 hour में ये सोक हो जाएगा। रसबेरी की जली बनाकर तैयार करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी फ्लेवरफुल जली आप बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पर विकफील्ड की जेली का यूज किया है। ऐसे ही रेडीमेड बहुत सारी जेली के फ्लेवर्स आते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। इस तरीके का जेली का मिक्स जो होता है मैं यहाँ पर बाउल में सारा रिमूव कर दूंगी। इसी के साथ एक सैचेट आता है इस तरीके का, इसको भी हमें इसी के साथ मिक्स करना है। हल्के से यहाँ पर कट करके सारा मिक्स जो भी इसमें है हम इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीजों को अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे कंबाइन। तो चलिए मैंने यहाँ पर सारे मिक्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है बॉइलिंग वाटर 500 ml उतना। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करूंगी। जली के मिक्सचर को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि जितना भी मिक्सचर होगा कम्प्लीटली अच्छे से डिजोल्व होना चाहिए बिना लम्स के। देख सकते हो आप, अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया।
फिर से जितना लेफ्ट ओवर पानी है उसको ऐड कर देंगे और हल्का सा एक जेंटल मिक्स दे देंगे। देख सकते हो बॉइलिंग वाटर मैंने ऐड किया है, चलिए यहाँ पर दे दिया है अच्छा सा मिक्स, कहीं पर भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स नजर नहीं आ रहे। तो चलिए मैंने इस तरीके का स्क्वायर मोल्ड लिया, प्रेजेंटेबल भी लगेगा इसलिए मैंने इस तरीके के मोल्ड का यूज किया है। देख सकते हो सारे जली के मिक्स को मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे रूम टेम्परेचर पर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के लिए कूल डाउन, इतने में हमारी जली अच्छे से सेट भी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर जली को क्यूब्स में कट कर लेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है जली हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे करते हैं साइड, देख ले आगे का स्टेप। चलिए मैंने यहाँ पर ड्रिंक ले लिया है, इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन होने के बाद इसे अच्छे से 1 घंटे के लिए मैंने रेफ्रिजरेट कर लिया था, बढ़िया सा चिल्ड हो चुका। जो बॉइल किया हुआ था साबुदाना उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नट्स जो सेव कर लिए थे लास्ट में गार्निशिंग में ऐड करने के लिए, उन नट्स को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैंने थोड़े से पिस्ता भी ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। तो चलिए यहाँ पर दे दिया है अच्छा सा मिक्स, बढ़िया शानदार डिलीशियस ड्रिंक हमारा तैयार है। तो चलिए यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी जो जली हमने सेट करके कट की थी उन क्यूब्स को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। आपकी मर्जी कम या ज्यादा, आप किस तरीके से खाना एंजॉय करते हो उस तरीके से आप इसमें जली को ऐड कर सकते हो। अगर आपको जली खाना ना पसंद हो आप इसको इसके बगैर भी इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके पास कलरफुल जली हो तो उसको भी ऐड कर लीजिए। इस ड्रिंक को देखते ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये ड्रिंक, आप इस ड्रिंक को जरूर से बनाइएगा इफ्तार रमजान में या इस समर्स में, बहुत ही डिलीशियस ड्रिंक है, जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही यम बनकर तैयार हुई है, आपकी फैमिली को भी बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए इसे असेंबल कर ले ग्लासेस में। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बेजल सीड्स जो हमने सोक किए हुए थे हाफ एन आवर के लिए, अच्छे से सोक हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ईच ग्लास में 2-2 टीस्पून उतना ऐड कर दूंगी। अगर आपको बेजल सीड्स पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसके बगैर भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो ईच। तो चलिए हर ग्लास में थोड़े थोड़े से जलीज भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जली वाला लेयर, आप इसको जैसे चाहो उस तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अगर आप जली नहीं ऐड करना चाहते उसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो अगर आपको जली पसंद ना हो तो। ये बढ़िया रिफ्रेशिंग भी लगेगा इस तरीके से, देखने में ही बहुत ही प्रेजेंटेबल भी लगेगा। तो चलिए इसी में मैं ऐड कर दूंगी हमार हमने जो ड्रिंक तैयार करके रखा है उसको, आप चाहो तो इसमें आइस क्यूब्स के साथ भी सर्व करते हो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कंप्लीट चिल्ड कर लिया है इसलिए मैं बिना आइस क्यूब्स के इसको सर्व कर रही हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, देख सकते हो कितना खूबसूरत भी लग रहा है ये। तो चलिए इसी तरीके से सारे ग्लासेस में मैं सर्व कर लूँ। चलिए यहाँ पर मैं गार्निश कर दूंगी थोड़े से पिस्ते की कतरन के साथ, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहो गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, ड्राई लीफ पेटल्स के साथ, अपने पसंद की किसी भी नट के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और डिलीशियस भी लगते हैं, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल और टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं। तो चेक कीजिए कितना खूबसूरत और डिलीशियस है यहाँ पर हमारा ग्लास बनकर तैयार हो चुका है। लेयर्स तो आप चेक करें, नीचे की तरफ सब्जे का लेयर है, बीच में साबुदाना का ड्रिंक है, जेलीज हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मैजिकल सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसको पीने के बाद ना आपको 2 घंटे तक भूख भी नहीं लगेगी, एकदम ठंडक होगी। इस रमजान इफ्तार जरूर से ट्राई कीजिएगा अपने। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।